हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह द्वारा लिखे गए लेसन का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस लेसन में जो ऑटोबायोग्राफिकल है, खुशवंत सिंह ने अपने बारे में और अपनी दादी माँ के बारे में लिखा है। इसमें खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ का चरित्र चित्रण किया है शब्दों के माध्यम से, और उसके साथ अपने बिताए गए बचपन का वर्णन किया है। समय बीतते बीतते उनके संबंध में भी कई बदलाव आते हैं, हालांकि ये बदलाव परिस्थितिवश आते हैं, और दादी माँ का अपने पोते के प्रति प्रेम मृत्यु तक अपरिवर्तनीय रहा। दादी माँ अपने बेटे से उतना ही प्रेम करती रही। ये कहानी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई ये कहानी हमें बुजुर्गों के साथ बच्चों के संबंध के बारे में बताती है, और इस कहानी का उद्देश्य जो है वो युवा पीढ़ी में बुजुर्गों के प्रति सम्मान एवं लगाव जागृत करना है। आइए पढ़ते हैं स्टोरी को। ए पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ए पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट शब्द चित्र, शब्दों के द्वारा बनाया गया चित्र, ए लेडी, एक लेडी का, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया ये लेसन है। माई ग्रांड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रांड मदर, मेरी दादी माँ प्रत्येक की दादी माँ की तरह वाज एन ओल्ड वोमेन, एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी रही थी, और फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों तक, वह 20 सालों तक लगातार बूढ़ी थी। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उसे जानता था। पीपल सैड, लोग कहते थे, दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कभी वह युवा थी और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और यहाँ तक कि उसका एक पति था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, परंतु उसमें विश्वास नहीं होता है। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग, पोर्ट्रेट माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का फोटो हंग, लटका हुआ है अबोव द मेंटल पीस, मेंटल पीस अंगीठी रखने की अलमारी। इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में। ही वोर ए बिग टर्बन, उसने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी है। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीली फिटिंग के उसने कपड़े पहन रखे हैं। हीज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसकी छाती के ज़्यादातर हिस्से तक आ रही है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह लग रहा है लगभग कम से कम 100 साल बड़ा। ही डिड नॉट लुक लाइक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह नहीं लगता इस प्रकार का व्यक्ति। हु वुड हैव ए वाइफ, जिसकी एक पत्नी रही होगी और चिल्ड्रन बच्चे रहे होंगे। ही लुक्ड, वह लग रहा है एज इफ, जैसे कि ही कुड ओनली हैव लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स, बहुत सारे ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोतियाँ। एज फॉर माई ग्रैंड मदर्स बींग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक मेरी दादी माँ का युवा और सुंदर होने का सवाल है। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ऐसा सोचना भी मूर्खतापूर्ण था। रिवोल्टिंग, मूर्खतापूर्ण। सी ऑफन टोल्ड अस, वह आमतौर पर हमें सुनाया करती थी। द गेम्स, खेलों के बारे में। सी यूज टू प्ले, जो वह खेला करती थी एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में। दैट सीम्ड, जो लगते थे क्वाइट अबजूर्ड, बिल्कुल बेतुका। एंड अनडिग्निफाइड, और ग्रीमाहीन ऑन हर पार्ट, उसकी ओर से। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इसे मानते थे लाइक द फिबल्स, नीति कथाओं की तरह। ऑफ द प्रोफेट्स, साधु लोगों की, प्रोफेट्स साधु लोग। सी यूज टू टेल अस, जो वह हमें बताया करती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वह हमेशा छोटी और मोटी रही थी। शॉर्ट छोटी, फैट मोटी। एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस का मतलब जाल था, ऑफ रिंकल्स, झुरियों का। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो प्रत्येक जगह चेहरे पर फैला हुआ था। वी वर सर्टेन, हमें पक्का था। सी हैड ऑलवेज बीन एज हैड, हमें पक्का था कि वह हमेशा रही थी जैसा हम उसे, नॉन हर, उसे जानते थे। ओल्ड बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी ज़्यादा, टेरिबली ज़्यादा, अत्यधिक ओल्ड बूढ़ी। दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड, और रुकी हुई थी। एट द सेम एज, एक ही उम्र में। फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से।
सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी सुंदर नहीं रही थी, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल होता है आकर्षित करने वाली। वह कभी सुंदर नहीं थी परंतु हमेशा आकर्षित करने वाली थी। सी होबल्ड, वह लंगड़ा कर चलती थी। अबाउट द हाउस, घर में। इन स्पॉटलेस, दाग रहित। वाइट, सफ़ेद कपड़ों में। विद वन हैंड रेस्टिंग, एक हाथ टिकाए हुए। रेस्टिंग, टिकाए हुए। ऑन हर वेस्ट, अपनी कमर पर। टू बैलेंस, बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए। हर स्टूप, उसके झुके हुए। एंड द अदर, टेलिंग बीड्स, और दूसरा हाथ माला जपते हुए। ऑफ रोजरी, अपनी माला के। बीड्स मोती, रोजरी माला के। क्या होता था, वो अपना एक हाथ तो अपनी कमर पे लगा लेती थी अपने झुके हुए शरीर को बैलेंस बनाने के लिए, और दूसरा वो क्या करती थी, माला जपती रहती थी, बीड्स मन के जपती रहती थी अपनी रोजरी की। हर सिल्वर लुक्स, उसकी चांदी जैसी जुल्फें। वर स्केटर्ड, फैली हुई थी। अनटाइडली, बिना गुथे हुए। ओवर हर पेल, उसके पीले पकड़। झुरियोंदार फेस, चेहरे पर। एंड हर लिप्स, कंस्टेंटली, कंस्टेंटली कंटिन्यूसली, लगातार। मूड, हिलते रहते थे। इन इनऑडिएबल प्रेयर, न सुनने योग्य प्रेयर में। होठ तो उसके हिलते थे पर सुन नहीं पाते थे। यस, हाँ। सी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप, लैंडस्केप होता है भूदृश्य, वह थी सर्दी के भूदृश्य की तरह। इन द माउंटेन्स, पर्वतीय क्षेत्र में। देखो, पर्वतीय क्षेत्र में सर्दी में एक भूदृश्य बन जाता है जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ जमी हुई हो। दादी माँ भी बिल्कुल वैसी ही लगती थी। कैसी, एन एक्सपेंस, एक विस्तार। ओ प्योर, पवित्र। वाइट, सफ़ेद। सेरेनिटी, शुद्धता का। ब्रीदिंग, सांस लेते हुए। पीस, शांति से। एंड कंटेंटमेंट, संतुष्टि से। देखो, जिस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में सर्दी के मौसम में बर्फ़ ही बर्फ दिखाई देती है सफ़ेद, बिल्कुल उसी तरीके से वो पवित्रता का प्रतीक दादी माँ दिखाई देती थी। माई ग्रांड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया था। विद हर, उसके साथ। वेन दे वेंट टू लिव, जब वे चले गए थे रहने के लिए। इन द सिटी, शहर में। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार एक साथ रहे थे। सी यूज टू वेक मी अप, वह मुझे जगाया करती थी। इन द मॉर्निंग, सुबह। एंड गेट मी रेडी, और मुझे तैयार करती थी। टू फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह करती थी अपनी सुबह की प्रार्थना। इन ए मोनोटोनियस, मोनोटोनियस होता उबाऊ, नीरस। सिंग सॉन्ग, आवाज़ में। वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वह नहलाती थी। एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस आशा में। दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और इसे कंठस्थ याद कर लूँगा। बाई हार्ट का मतलब है कंठस्थ। नेक्स्ट देखो, आई लिसन, मैं सुनता था। आई लिसन, मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, परंतु इसे सीखने की कभी मैंने कोशिश नहीं की। देन सी वुड फैच, तब वह लाती थी। फैच, लाती थी। माई वुडन स्लेट, मेरी लकड़ी की तख्ती। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसे वह पहले ही धोकर रख देती थी। एंड प्लास्टर्ड, और पोत देती थी। विद येलो चाक, पीली खड़िया से। ए टिनी अर्थन इंकपोट, एक छोटी मिट्टी की बनी हुई, अर्थन मिट्टी की बनी हुई इंकपोट, साई की दवात। एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल, उन सबको बांधती थी एक बंडल में। एंड हैंड इट टू मी, और ये मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, एक नाश्ता करने के बाद। ऑफ ए थिक, एक मोटी। स्टेल, बासी। चपाती, रोटी का। विद ए बटर, विद ए लिटल बटर, थोड़ा बटर लगाकर। एंड शुगर, और शुगर, चीनी। स्प्रेड ऑन इट, इस पर फैलाकर। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाया करते थे। नाश्ता करते थे, एक बासी और मोटी रोटी का, उसके ऊपर थोड़ा सा घी और शुगर लगा लेते थे, और उसके बाद स्कूल चले जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती, जो ले जाती थी बहुत सारी बासी रोटियाँ। विद हर, अपने साथ। फॉर द विलेज डॉग्स, गाँव के कुत्तों के लिए। माई ग्रांड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी माँ हमेशा स्कूल जाया करती थी। विद मी, मेरे साथ। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड, क्योंकि स्कूल अटैच था टू द टेम्पल, मंदिर से।
द प्रीस्ट टॉट अस, पादरी हमें पढ़ाते थे, पुजारी हमें पढ़ाते थे, टीचर हमें पढ़ाते थे, द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। वाई द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, जब बच्चे बैठ जाते थे बरामदा के दोनों साइड में, सिंगिंग गाते हुए, द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, और द प्रेयर, प्रेयर इन ए कोर्स, एक समूह में। माई ग्रैंडमदर सेट इन साइड, तो मेरी दादी माँ अंदर बैठी रहती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हुए, स्क्रिप्चर्स धार्मिक पुस्तकें। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों ही पूरा कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक, हम वापस आते थे टुगेदर, एक साथ, दिस टाइम द विलेज डॉग्स, इस बार गांव के कुत्ते, इस समय गांव के कुत्ते, वुड मीट अस, हमें मिला करते थे, एट टेम्पल डोर, टेम्पल के दरवाजे पर, दे फॉलोड अस, वे हमारे साथ साथ आते थे, टू आवर होम, हमारे घर तक, ग्रोलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे से लड़ते हुए, फॉर द चपातीज, उन रोटियों के लिए, वी थ्रीव टू देम, जो हम उन्हें फेंका करते थे। When my parents, जब मेरे parents were comfortably settles, comfortably, आरामपूर्वक, settles, settle हो गए, बस गए, in the city, शहर में, they sent for us, उन्होंने हमें बुला लिया, that was a turning point, वह था एक महत्वपूर्ण मोड़, महत्वपूर्ण बदलाव, in our friendship, हमारी दोस्ती में। Although we shared the same room, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, माई ग्रांड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी, आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था, इन ए मोटर बस, एक मोटर बस में, देर वर नो डॉग्स, वहाँ पर कुत्ते नहीं थे, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, एंड सी टुक टू फीडिंग, और उसने शुरू कर दिया खिलाना स्पैरो चिड़ियों को, इन द कर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के आंगन में। As the years rolled by, बीतते गए, we saw less of each other, हम मिलते थे एक दूसरे से बहुत कम, for some time, कुछ समय के लिए, she continued to wake me up, उसने मुझे जगाना जारी रखा, and get me ready, और मुझे तैयार करना for school, school के लिए, when I came back, जब मैं वापस आता था, she would ask, वह पूछा करती थी, what the teacher had taught me, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया था, दादी माँ मुझसे पूछा करती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। एक मिनट, थोड़ा सा बैक हो गया। हाँ, आई वुड टेल हर, मैं उसे बताता था, आई वुड टेल हर, मैं उसे बताता था, इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश के शब्द, एंड लिटल थिंग्स, और कुछ बातें, ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान की, एंड लर्निंग, और ज्ञान की, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, द वर्ल्ड बींग राउंड एक्सेट्रा, और संसार गोल होने के बारे में। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह अप्रसन्न हो जाया करती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं कर पाती थी। विद माई lessons, मेरे lessons में, सी डिड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं करती थी, द थिंग्स, उन बातों में, दे टोट, जो वे पढ़ाते थे, एट द इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल में, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वह दुखी हो जाती थी, दैट देर वॉज नो टीचिंग, कि वहाँ पर कोई शिक्षा नहीं है अबाउट गॉड, भगवान के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकों के बारे में। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस, मैंने बताया, दैट वी वर बींग गिवन, कि हमें दिए जाते हैं म्यूजिक lessons, संगीत के लेसन। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो वह बहुत परेशान हो गई। टू हर, उसके लिए, म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, लिव्ड कामुक, एसोसिएशन संबंध, उसके लिए म्यूजिक का संबंध जो था वो कामुक चीज़ों से था। इट वॉज द मोनोपोली, इस पर एकाधिकार था, वो फारलोर्स, वेश्याओं का, एंड बेगार्स, और भिखारियों का, एंड नोट मिंट फॉर जेंटल फोक, और भद्र पुरुषों के लिए नहीं था म्यूजिक, दादी माँ की नज़र में। सी सैड नथिंग, वह कुछ नहीं कहा करती थी, बट हर साइलेंस मिंट, परंतु उसके चुप रहने का मतलब था डिसअप्रूवल, अस्वीकृति। सी रेयरली टॉक टू मी, वह ना के बराबर बात करती थी मुझसे, आफ्टर दैट, उसके बाद, उसके बाद दादी माँ मुझसे बात नहीं करती थी। नेक्स्ट देखो, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया,
आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे खुद का कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, सामान्य संबंध दोस्ती का वास स्नैप्ड, खत्म हो गया। माई ग्रांड मदर एक्सेप्टिड हर सेक्लूजन, मेरी दादी माँ ने स्वीकार कर लिया अपना अकेलापन। एक्सेप्टिड स्वीकार कर लिया, सेक्लूजन अकेलापन, विद रेजिग्नेशन सहमति के साथ। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वह मुश्किल से ही छोड़ती थी अपना कातने वाला चरखा टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सी सेट बाई हर व्हील, वह बैठी रहती थी अपने चरखे के पास स्पिनिंग कातते हुए एंड रिसाइटिंग और जाप करते हुए प्रेयर्स प्रार्थना का। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के बाद सी रिलैक्स व आराम करती थी फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, टू फीड द स्पैरोज, चिड़ियों को खिलाने के लिए। वाइल सी सेट इन द बरामदा, जब वह बरामदा में बैठी रहती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड, तोड़ते हुए रोटी को इंटू लिटिल बिट्स, छोटे टुकड़ों में, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटे पक्षी कलेक्टेड राउंड हर, उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेल्डम, करते हुए एक वास्तविक शोर शराबा ऑफ चर्पिंग, चहचाने का बेल्डम, शोर शराबा। सी केम एंड पस, सम केम, कुछ आती थी चिड़िया, एंड पस, और बैठ जाती थी ऑन हर लेग्स, उसके पैरों पर, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पर, सम इवन सेट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि कुछ उसके सर पे बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर शूट देम अवे, परंतु उन्हें कभी दूर नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी, यह हुआ करता था, द हैप्पीएस्ट, प्रसन्नता देने वाला, हाफ आवर, आधा घंटा, ऑफ द डे, दिन का। When I decided to go abroad, जब मैंने फैसला किया विदेश जाने का, for further studies, आगे के अध्ययन के लिए, further आगे के, I was sure, मुझे पक्का था, my grandmother would be upset, कि मेरी दादी माँ परेशान होगी, I would be away for 5 years, क्योंकि मैं जा रहा था विदेश 5 साल के लिए, and at her age, और उसकी उम्र में, one could never tell, कभी किसी को नहीं बताया जाता, but my grandmother could, परंतु मेरी दादी माँ को बताया गया। She was not even sentimental, वह यहाँ तक कि भावुक भी नहीं हुई, sentimental, भावुक। She came to leave me at the railway station, वह आई मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने, but did not talk, परंतु उसने बात नहीं की, और show any emotion, कोई फीलिंग्स नहीं दिखाई, कोई भावना नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होठ हिल रहे थे प्रार्थना में, हर माइंड वाज लॉस्ट, उसका दिमाग खोया हुआ था इन प्रेयर, प्रार्थना में, हर फिंगर्स वर बिजी, उसकी उंगलियां व्यस्त थी टेलिंग द बीड्स, मोती जपने में, मन के जपने में, ऑफ अ रोजरी, उसकी माला के। साइलेंटली चुपचाप सी किस्ड माई फोर हेड, उसने मेरे फोर हेड को, मेरे माथे को किस किया, एंड वेन आई लेफ्ट, और जब मैं चला, आई चेरिस्ट, मैंने संजो कर रखा द मोइस्ट इम्प्रिंट, नम छाप, एज पर हैप, कि शायद द लास्ट साइन, अंतिम निशानी हो, और फिजिकल कॉन्टेक्ट, शारीरिक संबंध की, बिटवीन अस, हमारे बीच में। वो चला ना तो खुशवंत सिंह भावुक हो गया, शायद मैं 5 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तब तक मुझे दादी माँ शायद ना मिले, इसलिए थोड़ा सा भावुक हो गया। बट दैट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, आई केम बैक होम, मैं वापस घर आया, एंड वॉज मेट, और मिला बाई हर उससे एट द स्टेशन पर। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक दिन भी बड़ी नहीं लगी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी उसके पास अभी भी शब्दों के लिए समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्स्ड, और जब उसने पकड़ा मी, मुझे, इन हर आर्म्स, अपने हाथों में, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था हर रिसाइटिंग, उसका बोलना, हर प्रेयर्स, उसकी प्रार्थना का जाप करना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन, मेरे आने वाले पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उसके प्रसन्नतापूर्वक पल, वर विद हर स्पैरोज, उसकी चिड़ियों के साथ थे, होम सी फेड लोंगर, जिनको उसने खिलाया लंबे समय तक, विद फ्रीवलस रीबक्स, फ्रीवलस तुच्छ रीबक्स, झिड़कियों के साथ, थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के साथ। इन द इवनिंग, शाम के समय, ए चेंज केम ओवर हर, उसमें एक बदलाव आ गया। सी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वीमेन, उसने औरतों को इकट्ठा किया, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की, गोट एन ओल्ड ड्रम, मंगाया एक पुराना ड्रम, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया।
फॉर सेवरल आवर्स कई घंटों तक सी थम्ड वह पीटती रही द सेगिंग लटकती हुई स्किन्स त्वचा को ऑफ द डायलेपिडेटेड ब्रोकन टूटे हुए ड्रम ढोलक की एंड सेंग और गाती रही ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियर्स घर आने वाले योद्धाओं के बारे में वी हैड टू परसुएड हर हमें उसे मनाना पड़ा परसुएड मनाना टू स्टॉप रोकने के लिए अवॉइड ओवरस्ट्रेनिंग थकान को दैट वॉज द फर्स्ट टाइम वह पहली बार था सिंस आई हैड नोन हर जब से मैं उसको जानता था दैट सी डिड नॉट प्रे कि उसने प्रार्थना नहीं की थी द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह सी वॉज टेकन इल वह बीमार हो गई इट वॉज ए माइल्ड फीवर ये एक हल्का सा बुखार था एंड द डॉक्टर टोल्ड अस और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो कि यह उतर जाएगा बट माई ग्रांड मदर थॉट परंतु मेरी दादी माँ ने सोचा डिफरेंटली कुछ अलग ही परंतु मेरी दादी माँ कुछ अलग ही सोच रही थी सी टोल्ड अस उसने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर कि उसका अंत नज़दीक है सी सैड उसने बताया दैट सिंस Only a few hours before कि कुछ समय पहले ही the close of the last chapter बंद होना अंतिम अध्याय का of her life उसके जीवन का she had omitted to pray और उसने मना कर दिया था प्रार्थना करने से she was not going to waste any more time वह और अधिक समय बर्बाद नहीं करने जा रही थी talking to us हमसे बात करते हुए we protested हमने विरोध किया but she ignored परंतु उसने नज़रअंदाज कर दिया our protest हमारे विरोध को सी ले पीसफुली वह शांतिपूर्वक लेटी रही इन बेड बिस्तर में प्रेइंग प्रार्थना करते हुए एंड टेलिंग हर बीट्स और अपने मोती जपते हुए इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हम कुछ अंदाज़ा लगाते उससे पहले सस्पेक्ट अंदाज़ा लगाना हर लिप स्टॉप उसके होठ रुक गए मूविंग चलने से एंड द रोजरी और माला फैल गिर गई फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स उसकी जीवन रहित उंगलियों से ए पीसफुल एक शांतिपूर्ण पैल्योर पीलापन स्प्रेड फैल गया ऑन हर फेस उसके चेहरे पर एंड वी न्यू और हम जान गए दैट सी वॉज डेड कि वह मर चुकी है वी लिफ्टिड हर ऑफ द बेड हमने उसे बिस्तर से उठाया लिफ्टिड उठाया एंड एज इज कस्टमरी और जैसे परंपरा है लेड हर उसे लिटा दिया ऑन द ग्राउंड जमीन के ऊपर एंड कवर्ड हर और उसे ढक दिया विद ए रेड स्ट्राउड एक लाल कफन से आफ्टर ए फ्यू आवर्स कुछ घंटों के मॉर्निंग विलाप करने के बाद वी लेफ्ट हर हमने उसे छोड़ दिया अलोन अकेला टू मेक अरेंजमेंट्स व्यवस्था करने के लिए फॉर हर फ्यूनरल उसके अंतिम संस्कार के फ्यूनरल अंतिम संस्कार इन द इवनिंग शाम के समय वी वेंट टू हर रूम उसके कमरे में गए विद ए क्रूड स्ट्रेचर अर्थी टू टेक हर टू बी सेरेमेटेड उसे दफनाने के लिए ले जाने के लिए द सन वॉज सेटिंग सूर्यास्त हो रहा था एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा और भर रखा था उसके रूम और कमरे को बरामदा को विद ब्लेज चमक से ऑफ गोल्डन लाइट सुनहरे प्रकाश की वी स्टॉप्ड हाफ वे हम आधी दूरी पर रुक गए इन द कर्टयार्ड आंगन में ऑल ओवर द बरामदा पूरे बरामदा में एंड इन हर रूम और उसके कमरे में राइट अप बिल्कुल ऊपर टू वेयर सी ले डेड जहाँ पर वह मर्त पड़ी थी एंड स्टीफ रैप्ड इन द रेड श्राउड और उसे ढक रखा था लाल श्राउड में लाल कफन में थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वहाँ पर हजारों स्पैरोज सेट बैठी हुई थी स्केटर्ड फैले हुए ऑन द फ्लोर फर्श के ऊपर देर वॉज नो चर्पिंग वहाँ कोई चहचाना नहीं था वी लेफ्ट फेल्ट सॉरी दया आई फॉर द बर्ड्स पक्षियों पर एंड माई मदर फेस्ड और मेरी माँ ले आई सम ब्रेड कुछ रोटियाँ फॉर देम उनके लिए सी ब्रोक इट इंटू लिटल क्रम्स उसने इसे तोड़ा छोटे टुकड़ों में क्रम्स टुकड़ों में द वे उसी तरीके से माई ग्रांड मदर यूज टू जिस तरीके से मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी एंड थ्रीव इट टू देम और इस रोटी के टुकड़े उन्हें फेंक दिया द स्पैरोज टुक नो नोटिस चिड़ियों ने कोई ध्यान नहीं दिया ऑफ द ब्रेड रोटी का वेन वी कैरिड माई ग्रांड मदर्स कॉप्स ऑफ जब हम ले गए माई ग्रांड मदर्स मेरी दादी माँ को कॉप्स लाश को ऑफ दूर दे फ्लीव अवे वे उड़ गई क्वाइटली चुपचाप नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह द स्वीपर स्वेप्ट स्वीपर ने झाड़ू वाले ने इकट्ठा किया द ब्रेड क्रम्स रोटी के टुकड़ों को इंटू द डस्टबिन में कूड़ादान में यह आपका लेसन कंप्लीट हो गया इसके क्वेश्चन आंसर देखने के लिए
डिस्क्रिप्शन में देखें। थैंक यू।